के अंदर डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मैं देख लें। ये मैंने खुद अज्यूम किया है, इस वक्त चार छोटी और एक बड़ी सुरंग मैंने प्लान की है जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है। और मैं आने से पहले, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने वचन देना चाह रहा था, अपना मैं प्रॉमिस करना चाह रहा था, तो मैं चेयरमैन एनएचए से रात को बात करके आया हूँ कि ये मैं 8 किलोमीटर वाली टनल जो है ये मैं शामिल करने लगा हूँ। हमने रफ डिज़ाइन बना ली है, तो आप लोगों ने अप्रूव करनी है। उससे होगा क्या, इन टनल से जो आपका 164 किलोमीटर का फासला है वो 114 किलोमीटर रह जाएगा। बहुत अच्छा। और ये 114 किलोमीटर का फासला जो है, मेरा गांव जो है पिंडी से 110 किलोमीटर है, मैं 1.5 घंटे में जाता हूँ। मैंने अपने ये लड़कों को कहा है कि ये फासला जो है 114 किलोमीटर जब रह जाएगा तो ये मेरे गांव जितना दूर है। शायद ये चूँकि मैदानी इलाका नहीं है तो ये 1.5 घंटे में ना आप जा सकें, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह 2.25 घंटे से 3-2.5 घंटे में आप इधर पहुँच जाया करेंगे। और आपके लिए मेरे जहन में ये था कि यहाँ से अगर किसी ने गिलगित जो है वो सूबे का दारुल हुकूमत है, अगर किसी को जाना है तो सुबह जाए और शाम को अपना काम करके वापस आ जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 5 टनल तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, ये मौजूद है, लेकिन कल जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो 3-4 और जगह मैंने इन्हें इंडिकेट किए, मेरे इंजीनियर और मेरे टेक्नीशियंस जो हैं उनका सर्वे करेंगे, ये 5 नहीं रहेंगे, होंगी ज़्यादा, लेकिन मैं वादा उस वक्त करूँगा जब मैं अगली दफ़ा आपसे मिलने आऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे। आखिरी बात है कि लोकल्स को यहाँ पे काम शाम नहीं किया जाता। इस वक्त भी मेरी एक यूनिट के पास 192 पीसेस जो हैं किराए पे वो लोकल्स के चढ़े हुए। 4 अभी उसकी वजह ये थी कि जब तक उसका फैसला लीगली नहीं हो पाता था मैं पैसे देने का। अभी भी ये 635 मिलियन मिले हैं, ये इंटरम पेमेंट हमें हुई है, क्योंकि जब तक ये अभी दोबारा PC1 नए सिरे से बन के जाएगा नहीं, एक्निक से दोबारा अप्रूव होके आएगा नहीं, तो ये लीगली ना NHA में पे कर सकते ना। इसका मतलब ये है कि कोई सिस्टम के अंदर एक वक्त पे बदनीयत इंसान बैठा हुआ था जिसने इस पूरे प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश की। अल्लाह पाक का करम है, अभी उसमें काफ़ी हद तक हम लोग बेहतरी ले आए और अल्लाह के फजल करम से हम उसको पुश करके जोर लगा के। ये सारी बात इसलिए आपसे की कि आपको मेरी मुश्किल का जो है अंदाज़ा होना चाहिए। और ये सुबह नाश्ते में ये कहा कि FW के लिए क्रॉफर्ड की एक पैनी भी आराम है, जो बचेगा हम इधर लगा के जाएंगे। कुछ और चीज़ें हैं ये तंजील साहब आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन मैं आपको अंदाज़ा नहीं है कि 2012 में जब मैं MI में था तो मैंने MI में ये रिपोर्ट इनिशिएट की थी कि लोग कहते हैं कि अगर पल्ली साइड पे हम होते तो वहाँ पे बेहतर रोडें मिल जाती, तो आप खुदा का खौफ करें इस रोड को बना लें। और जब मैं शहबाज नवाज शरीफ के पास आखिरी दफ़ा गया था, जब उन्होंने कहा कि कर लें कुछ, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा खुदा का खौफ करें हमारे अपने बच्चे हैं उधर। दो चीज़ें मैं और आपको बताना चाहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान मैं लेफ्टिनेंट था, तो मैं पहली दफ़ा इधर घूमने फिरने आया था और मेरे अपनी बरादरी के बहुत लोग हैं, मेरे जानने वाले बहुत लोग हैं, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, मेरी एक नेचुरल एफिलिएशन है इस क्षेत्र के साथ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इधर आया लास्ट ईयर, मुझे किसी ने कहा कि हमें 15-15 घंटे 20-20 घंटे लगा के MRI कराने जाना पड़ता था। ये आपको सुनकर खुशी होगी, गिलगित में और कर्दू के लिए मैंने 2 MRI मशीनें खरीदी, ये 25 मिलियन रुपीज़ यानी 2.5 करोड़ रुपये की मुझे मिली। मैंने इनके ऊपर तकरीबन 40-40 लाख रुपया लगा के उनको पिंडी पहुँचाया, पिंडी से मैंने दोनों को गिलगित पहुँचाया। गिलगित वाली अलहमदिल्ला लग गई है और पिछले महीने उसने काम करना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उसका एक पुर्जा जो है वो 20 टन से बढ़ा है,